जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने दादरी से प्रत्याशी सतपाल सांगवान के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में 75 पार का नारा देने वाले यमुना पार चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने काम करने के बजाय लोगों को ठगने का काम किया। चुनाव में जिस तरह से जेजेपी की लहर चल रही है, उससे दुष्यंत चौटाला सीएम बनने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बबीता फोगाट की कुछ मजबूरियां रही हैं, इसलिए दुष्यंत का साथ छोड़कर बीजेपी का झंडा थामा है। चुनाव हारने के बाद उनको ये बात समझ आ जाएगी। दिग्विजय ने कहा कि इस समय हरियाणा में 55 सीटों पर जेजेपी का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है। क्या मजबूरी है, वो मेरी बहन है, मैंने तो उनको धर्म की बहन बनाया है, और वो तो ये क्या करती है, दुष्यंत से बढ़िया लीडर नहीं, हमारी पार्टी का झंडा आके उनने पहले दिन उठाया था। अब क्या कारण रहे, क्या मजबूरियां रही, मजबूरियां रहती हैं। खैर, मैं मानता हूँ कंपटीशन नहीं है, अगर कंपटीशन में कोई है तो ये दूसरे लोग हैं, मगर उनको जैसे लोग कह रहे हैं भाई है सामाजिक तत्व और जिनसे लोगों को डर लगता हो, उनको दादरी में कोई वोट नहीं देगा। दादरी में वोट मिलेंगे सतपाल सांगवान के नाम और दुष्यंत की मेहनत पर, जनता पार्टी की चाबी के निशान पर।